वो गुलाम अहमद सुरड़ी की वजह से हो गए, वो कांग्रेस की वजह से, बीजेपी की वजह से हो। अगर उनको लौटानी है तो उनकी खुशियाँ लौटाए जो इस वक्त अवेलेबल, अगर लौटाना है तो उनकी खुशियाँ लौटा दे। हमने गुलाम अहमद सुरड़ी के पीछे मेरे बाप ने 7 फुट का जवान अपनी कब्र में दर्ज दफन किया था और दूसरे दिन 12 बजे तक एक वोट गुलाम अहमद सुरड़ी को नहीं पड़ रहा था। कफन वाले त्राई घर पे रोते रोते हमने गुलाम अहमद सुरड़ी को वोट दिया और फिर जाकर गुलाम अहमद सुरड़ी ने लीड यहाँ से हासिल की, नहीं तो उसी वक्त गुलाम अहमद सुरड़ी हार गया होता, करीम मानी ने उसी वक्त उसको हराया होता। फिर उस वक्त मैं शुक्र गुजार हूँ पूरी छात्र आवाम की, चाहे उसमें हिंदू है, कोई भी है, गुजर भाई है या कश्मीरी भाई है, किसी ने यह नहीं देखा। सब ये कहने लगे उस वक्त कि हम वोट अगर कर रहे हैं वो वोट कर रहे हैं हम इन 3 जवानों के खून को। बीजेपी ने भी वोट किया उस वक्त, कांग्रेस ने भी वोट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वोट किया गुलाम अहमद सुरड़ी को, उसको जिताया। उसको याद रहा नहीं याद रहा, आज वही गुलाम अहमद सुरड़ी फिर आ रहा है कि मैं छात्रों के लोगों का काम करूँगा। जिस जबान से वो बोलता है, अगर उसको हम ये जायदाद मेरी है, जहाँ मैं इसमें वार्ड मेंबर था, इस वार्ड में गुलाम अहमद सुरड़ी जरा बताए, उसने 18 साल में इस मेरे वार्ड में 3 IAY मकान केस दिए थे। मैं जब मेंबर बना मैंने 47 मकान केस दिए हैं, 47 मकान केस गिनकर। वो सुरड़ी साहब बोले जब इलेक्शन आता है तब उसको जायदाद याद आते हैं, तब उसको मलिकनाड़ याद आता है, पासरकोटा याद आता है, हड़ना याद आता है, खवड़ा याद आता है, बूढ़ा याद आता है। वो मुझे बताए, वो जरा अपने काम गिन कर दिखाए। परसों मैं उसकी भी बाइट सुन रहा था, वो पंचायतों के नाम ऐसे गिन रहा था जैसे उसके सामने एक कापी के वर्क पर लिखे हुए थे। जरा अपने काम भी गिनवाए इन पंचायतों में मैंने काम कौन से किए। चलो चाहे इस वक्त कहता हूँ, मैंने कल भी बोला उनको छात्रों में ये बात, मैं अगर इस वक्त हम प्यारी लाल जी के पीछे हैं, मैं आप भी निकलो, मैं हम मुसलमान हैं। मैं इस वक्त प्यारी लाल जी मुसलमान नहीं है, मैं इस वक्त वो हिंदू नहीं है, इस वक्त वो सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, शिया नहीं है, बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है, मैं इस वक्त इंद्रवाल की आवाज़ है। वो इंद्रवाल की आवाज़ हमने खड़ी कर दी। इन्होंने परसों जिस वक्त आप जनाब से मैंने रेट इन्होंने छीन लिया, उस वक्त इन्होंने 36,000 लोगों की भावनाओं को ललकारा। उस वक्त इन्होंने 36,000 लोगों की जो भावनाएं थी उनको ललकारा है। इंशा अल्लाह करके कहता हूँ, चाहे बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, कोई भी है, इस वक्त हमारा कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार है, जो इन्होंने हमारी भावनाओं को ललकारा है, हमारी जमीर को ललकारा है, इस जमीर को ललकारने की जो आवाज उन्होंने उठाई है, वो ललकार अब इनको जलगार में तब्दील करके हम यहाँ से दिखाएंगे, जिसकी गूंज 5 साल इनको ऐवान में गूंजती रहेगी। जिस वक्त हमारा कैंडिडेट 5 साल गूंजती रहेगी, और जो घरों में बैठे होंगे, जो हार के घरों में जाएंगे, वो घर में देखेंगे कि ये वही गूंज है, ये वही ललकार है जो ललकार हमने इनको दिया। मुसलमान अगर देखना है तो इस ललकार को देखो, जो ललकार उन्होंने दी है, इसका मतलब है अगर हम इस ललकार में पीछे रह गए तो हम जनाब कभी उठ नहीं सकते हैं। इंद्रवाल फांसी चौंसी कभी आगे उठ नहीं सकते हैं। शुक्र खुदा।